दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट पर बात करूंगा, जो कि डीवी एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर आधारित है। क्या आपको भी लगता है कि 498 ए की तरह डीवी एक्ट भी पत्नियों के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है? जिस तरह से 498 ए में पत्नी पति के साथ साथ बाकी सभी ससुराल वालों का नाम डाल देती है, उसी तरह से डीवी एक्ट में भी पत्नी पति के साथ साथ जितने भी ससुराल वाले होते हैं, जैसे कि सास ससुर, पति के भाई, पति के बहन या मैरिड बहन, या मैरिड बहन के हस्बैंड या उनके बच्चे तक, सभी का नाम पत्नी डीवी एक्ट में घसीट लेती है। पत्नी द्वारा ये भी नहीं देखा जाता कि कौन कहाँ रहता है या किसका कितना रोल है। पत्नी को तो बस पति और ससुराल वालों से बदला लेना है, उन्हें लिटिगेशन में फंसा करके हरेस करना है। दोस्तों, आज के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस केस में पत्नी द्वारा ससुराल के 11 लोगों के ऊपर डीवी एक्ट का केस फाइल किया गया। ऐसे में हाईकोर्ट भी पति पक्ष को कोई रिलीफ नहीं देता, कोई भी राहत नहीं देता और सभी पर डीवी केस चलाने के आदेश दे देता है। पर सुप्रीम कोर्ट इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता और डीवी केस में पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत देता है। तो आइए जानते हैं क्या था पूरा मैटर, कैसे एक पत्नी ने अपने ससुराल वालों के 11 मेंबर्स के ऊपर डीवी एक्ट का केस फाइल कर दिया और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने पति पक्ष को बड़ी राहत दी। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फोर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस केस में पत्नी के द्वारा ससुराल के 11 सदस्यों के खिलाफ डीवी एक्ट का केस फाइल किया जाता है। इसमें उसका पति, सास ससुर और पति के अन्य रिश्तेदारों को आरोपी बनाया जाता है। डीवी कंप्लेंट के बेसिस पर मजिस्ट्रेट कोर्ट सभी के खिलाफ सम्मन इशू कर देती है, क्योंकि पत्नी के द्वारा डीवी में झूठे केस लगाए गए थे। तो ऐसे में पति पक्ष डीवी केस को क्वैश करवाने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, पर ऑनरेबल हाई कोर्ट पति पक्ष को यानी कि 11 के 11 मेंबर्स को किसी भी तरह का रिलीफ नहीं देता और डीवी केस को क्वैश करने से मना कर देता है। हाई कोर्ट इसमें पति पक्ष को एक डायरेक्शन और इशू करता है कि पति पक्ष यानी कि सभी के सभी 11 मेंबर्स लोअर कोर्ट में पेश हों और वहां जाकर के बेल अप्लाई करें। दोस्तों, यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि डीवी एक्ट केस 498 की तरह क्रिमिनल केस नहीं होता। 498 में पति को अरेस्ट किया जा सकता है और उसे बेल लेनी पड़ती है, पर डीवी एक्ट के केस में ना तो अरेस्ट का प्रोविजन है, इसलिए बेल का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके बाद पति पक्ष हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों पार्टीज अपने अपने पक्ष रखती हैं। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केस के डॉक्यूमेंट्स और हाई कोर्ट की जजमेंट का भी एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि पत्नी ने पति के साथ साथ 11 और मेंबर्स के ऊपर डीवी एक्ट का केस किया था, यानी कि घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे, जिसमें से एक तो टेनेंट था यानी कि किराएदार था। और हैरानी की बात यह थी कि पत्नी को उस टेनेंट का नाम तक नहीं पता था, जिससे यह साफ पता लगता है कि पत्नी ने बिना सोचे समझे सभी को डीवी केस में लपेट लिया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हाई कोर्ट को इतना तो देखना चाहिए था कि पत्नी ने जो फालतू के आरोपी बनाए हैं उनको एटलीस्ट डीवी केस से बाहर निकाला जाए, उनके खिलाफ डीवी केस क्वैश किया जाए। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील को पार्टली अलाउ किया और 11 में से 8 आरोपियों के खिलाफ डीवी केस को क्वैश करने के आदेश दिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति और सास ससुर को इसलिए क्वैशिंग का रिलीफ नहीं दिया क्योंकि वो पत्नी से डायरेक्टली रिलेटेड थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बेल लेने वाले ऑर्डर को भी क्वैश कर दिया क्योंकि हाई कोर्ट का ये ऑर्डर, ये डायरेक्शन कि बेल लेना चाहिए, वो बिल्कुल ही गलत था, बिल्कुल ही अननेसेसरी था। दोस्तों, इस जजमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वाइफ 498 ए की तरह
डीवी एक्ट का मिसयूज नहीं कर सकती है। वो डीवी एक्ट में पति के साथ साथ बाकी फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदारों को फालतू में नहीं घसीट सकती है, उनको अक्यूज नहीं बना सकती है। और यदि पत्नी ऐसा करती है तो आप डीवी एक्ट के केस को क्वैश करवा सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। दोस्तों, इस केस के बारे में, इस जजमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या पत्नी को डीवी एक्ट जैसा एक और हथियार मिसयूज करने के लिए मिलना चाहिए था? क्या 498 ए एक पत्नी के लिए, एक वाइफ के लिए काफी नहीं था? क्या पत्नी द्वारा डीवी एक्ट का मिसयूज किया जाता है? और क्या इस केस में हाईकोर्ट के द्वारा डीवी को क्वैश नहीं करने का डिसीजन सही था या सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय दिया? आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, आप जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार इसे यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।